हेलो नमस्कार जी, आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन नॉलेज टी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां, कैसे आप सभी। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ा धमाका किया गया। अभी आप सभी जानते हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम मार्च में है, वहीं हरियाणा ग्रुप डी का जो भी एग्ज़ाम है वो भी मार्च में है। अभी इन दोनों को कौन सा एग्ज़ाम यहाँ पे कैंसिल होने की संभावना है, या फिर हरियाणा ग्रुप डी का एग्ज़ाम मार्च में होगा या फिर नहीं, ये भी आपको बताएंगे। अभी अभी बहुत बड़ी खबर लेके आए हैं आप सभी के लिए। वीडियो देखिएगा अंत तक। आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर रहेगी, अपना जिला ज़रूर कमेंट करके बताइएगा किस जिले से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दूँ, हरियाणा ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो CET है। वो CET का आयोजन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बता रहा है कि आपका एग्ज़ाम मार्च में करवाएंगे भाई, ठीक है। वहीं मैं आपको बता दूं, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के जो एग्ज़ाम है 10वीं और 12वीं के, वे भी मार्च में शुरू है भाई। आपको बता दें, अभी अभी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही सामने कि हरियाणा बोर्ड के एग्ज़ाम हरियाणा ग्रुप डी के एग्ज़ाम से टकराएंगे तो सही, लेकिन रद्द नहीं होंगे। जी हाँ, हरियाणा ग्रुप डी का एग्ज़ाम रद्द नहीं होगा, आपका जो एग्ज़ाम है वो तय समय पर ही होगा, यानी कि 10 और 11 जो मार्च बता रखी तारीख उसी तारीख पे होगा। अभी अभी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, वही मैं आपको बता दूं, सोमवार से लिंक एक्टिवेट करवा दिया जाएगा ग्रुप डी के लिए। जिन्होंने फार्म नहीं भर रखा है वो फार्म भर लीजिएगा, 7 दिन के लिए लिंक एक्टिवेट रहेगा, उसके बाद इसको डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको बता दें, इसके एडमिट कार्ड आपको, जी हाँ, इसके एडमिट कार्ड आपको मार्च को 1 मार्च से, जी हाँ 1 मार्च के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं मैं आपको बता दूं, आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल करके। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही इसकी परीक्षा ले रहा है। वहीं मैं बता दूं, इस बार जिनके भी BPL है उन सभी को 5 अंक दिए जाएंगे भाई, ठीक है। परिवार में नौकरी न होने के 5 अंक उनको दिए जाएंगे, और तकरीबन 11 लाख इसमें पहले रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तकरीबन इसमें 4 लाख और रजिस्ट्रेशन होने की संभावना है। तकरीबन आपको बता दें, 15 लाख युवा इस बार परीक्षा ग्रुप डी की देने वाले हैं। जैसे नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो भी आपको मिलती रहेगी। चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।